यस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. तो डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान. एक नंबर, दो नंबर, मतलब एक नंबर में तो मिनिमम. ब्रीट में लगभग हर बार आया हुआ टॉपिक है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, सुपर टेट में पूछ सकता है, यानी इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए. तो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर वी फील कनेक्टेड विद. हिंदी इंग्लिश कोशिश रहेगी बायलिंगुअल चलने की. क्या है क्रियात्मक अनुसंधान, इसके स्टेप्स कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और नॉर्मल रिसर्च से कैसे अलग है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे टॉपिक को समझने के बाद आज. ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च टॉपिक है आज का. होपफुली सभी आ चुके हैं जिनको भी डेली पढ़ाई करनी होती है, है ना. चलिए फिर आ जाओ एक बार. बहुत बढ़िया, ग्रेट. एक मिनट रुको, मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, फिर कंटिन्यू करेंगे. लाइक शेयर इतना कर दीजिएगा, जो भी लोग डेली देखते हैं उन तक पहुंचाइए. क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गुड इवनिंग भाई सभी को, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे. कोई कह रहा है मैं भी आ गया, बहुत बढ़िया किया आपने. नहीं, क्लास हुई थी आज करियर पर, डेली ही होती है, आप लोग शायद मिस कर देते हो. शाम में चल रही है अभी क्लास 7 बजे. देखो एक बार अगर हम बात करें, टॉपिक था आज गुथरी एंड टॉलमैन जो पेडागॉजी स्पेशल बैचेस में चल रही है. अगर हम बात करें तो सेशन आपको पसंद ही आएगा, डिस्कशन आपको पसंद ही आएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर देंगे, है ना, ऐसी उम्मीद आपसे की जा सकती है. और इसके अलावा क्या, PDFs वगैरह आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम पे और आने वाले टाइम में और मिल जाएंगी. ठीक, हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान. तो क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, उससे पहले ये समझेंगे किसने दिया इसको. तो पहली बार एक्शन रिसर्च यानी जो आपका ये टर्म है, शब्द मान लीजिए या जिसको यूज किया या इस्तेमाल हुआ है, कॉइंड मतलब ढूंढ करके निकाला, किसने, कर्ट लेविन ने. कर्ट लेविन वही व्यक्ति हैं, कर्ट लुइन कह देते हैं इनको हम, जिन्होंने फील्ड थियोरी दी है, है ना, और गेस्टाल्टवाद से संबंधित भी हैं. इन्होंने एजुकेशन में इसका प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने इसको यूज़ किया था नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर्स या जो नॉर्मल सोशल लाइफ में, क्योंकि इनको सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है. तो कर्ट लेविन ने सबसे पहली बार इस टर्म को कॉइन किया या कह सकते हैं फाइंड आउट किया. टर्म क्या है, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान. कब किया, तो जो वैसे तो बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग ईयर मिल जाएगा, बट हम कह सकते हैं ज़्यादा रिलायबल होगा कि हम 1934 लिखें, जो कि आपकी ऑथेंटिक कुछ बुक्स जो इंटरनेशनल एक तरीके से जो ऑथर्स हैं, जो पूरा फॉरेन ऑथर्स हैं वो मानते हैं, 1934 हम मान के चलेंगे. अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्ट ईयर ना मिले पेपर में तो आप 1940s मान सकते हैं, 40s के अराउंड ऐसा कुछ. कई जगह आपको 34 की जगह 44, 43 मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से. ये मोस्ट ऑथेंटिक है, सेज इसको यही कहता है. ठीक है, इसके अलावा जो सेज पब्लिकेशन है वो यही मान के चलेगा. ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको एजुकेशन में किसने यूज़ किया, तो एजुकेशन में इसको यूज़ किया एक व्यक्ति हैं, बहुत ही क्या नाम है उनका, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, एम कोरे, स्टीफन एम कोरे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. स्टीफन एम कोरे ने 1951 यानी 1951 में इसका इस्तेमाल एजुकेशन के लिए किया कि एजुकेशन फील्ड में, स्कूल्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं. जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड सीरियसली किया होगा, उन्होंने कभी ना कभी एक्शन रिसर्च की फाइल बनाई होगी. मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए कि अलग अलग समस्याओं पर एक्शन रिसर्च की फाइल बनवाई जाती थी. ठीक है बात, अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च दिया किसने, तो 1934 किसने, कर्ट लेविन ने या कर्ट लुइन. इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन में किसने बात की, तो स्टीफन एम कोरे. एजुकेशन में इसको पहली बार प्रयोग किया स्टीफन एम कोरे. ये व्यक्ति हैं बेसिकली, इन्होंने 1951 में एजुकेशन में इसको यूज किया. ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द यहां तक हो तो बता दीजिए. ठीक यार, ये हिंदी इंग्लिश का इमला मत शुरू कर दिया करो, बाइलिंगुअल ऐसे ही चलता है सेशन. वैसे डेफिनेशन जो है मैंने कोशिश किया कि उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए कर्ट लेविन ने कहा क्या. कर्ट लेविन ने कहा कि रिसर्च कंडक्टेड स्पेसिफिकली विद इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड, यानी जहां समस्या उत्पन्न होती है, जिस एरिया में, जिस संदर्भ में समस्या उत्पन्न हुई है, अगर उसी संदर्भ में उसको सॉल्व किया जाएगा तो हम जल्दी ही आंसर तक पहुंच जाएंगे, बेहतर सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे. इसका मतलब क्या है,
इन्होंने बात की थी फैक्ट्री वर्कर्स के टर्म में। मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कोई समस्या है स्पेसिफिक उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मान लीजिए जो एम्प्लॉयज हैं वो लेट आते हैं, या कोई और समस्या है, वहाँ कोई थंब प्रिंट वाली जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इस तरीके की बातें। तो जिस जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस जगह पे, उसी कॉन्टेक्स्ट में यदि उसको सॉल्व किया जाएगा तो बेहतर सॉल्यूशन निकलेगा, बजाय कि एक ट्रेडिशनल रिसर्च जो पूरी एक जनरलाइज पॉपुलेशन के लिए बनती है कि सबके लिए एक थियोरी आ गई है उसको मान लिया। जरूरी नहीं है वो सब पे अप्लाई हो, इसलिए स्पेसिफिक होती है एक्शन रिसर्च उस क्षेत्र के लिए, उस दायरे के लिए जिसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो कर्ट लेविन कह रहे हैं कि जहां प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिस दायरे में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिस संदर्भ में प्रॉब्लम है, उसी में सॉल्व करो ताकि बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकल पाए। ऐसा कौन कह रहा है? कर्ट लेविन कह रहे हैं। देखो, अनुसंधान या ट्रेडिशनल रिसर्चेस बहुत सारी थी। रिसर्च बेसिकली होती क्या है, बहुत सारे लोग फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, तथ्यों का, नवीन तथ्यों का की खोज करते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और दुनिया भर में इतने सारे रिसर्चर्स हैं। कोई दवाई की खोज करेगा, कोई किसी चीज़ का इन्वेंशन करेगा, है ना, लेकिन वो पूरे सब के लिए है। लेकिन यहां बात हो रही है एक ऐसी रिसर्च जो किसी पर्टिकुलर संदर्भ के लिए हो, जरूरी नहीं है पूरी दुनिया में वो एप्लीकेबल हो, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई एक जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे वहां की समस्याएं सॉल्व हो जाए, ये उद्देश्य है एक्शन रिसर्च का। नॉर्मल रिसर्च से ये एक क्या कहेंगे, नैरो अप्रोच है। नॉर्मल रिसर्च एक ब्रॉड डोमेन है। नॉर्मल रिसर्च में क्या होता है, एक कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होगा जो रिसर्च करने निकला हुआ है, वो खुद उसको कंज्यूम करे जरूरी नहीं है। बट एक्शन रिसर्च में जो स्कूल के अध्यापक हैं, जो आपके प्रधानाध्यापक हैं, यानी टीचर हुए, आपके स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो आपके कॉलीग्स हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट है, वही सब लोग खुद ही कंज्यूम करेंगे और खुद ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो अनुसंधान करता है वही कंज्यूमर भी है, वही कंज्यूम करेगा उस रिसर्च को। किसमें? एक्शन रिसर्च में। नॉर्मल रिसर्च में ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। अब स्टीफन एम कोरे ने डेफिनेशन दिया किसकी? एक्शन रिसर्च की। स्टीफन एम कोरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्शन रिसर्च को पहली बार एजुकेशन या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में प्रयोग किया। ठीक है, स्टीफन एम कोरे। लोकल प्रॉब्लम्स के लिए की जाता है, बिल्कुल। अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है द प्रोसेस विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेल्युएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस इन व्हाट नंबर ऑफ पीपल हैव कॉल्ड एक्शन रिसर्च। मतलब कि एक ऐसी रिसर्च जहां पे गाइड किया जाए, करेक्ट किया जाए यदि कोई कमी है सिस्टम में, और फिर बाद में उसको इवेल्युएट किया जाए। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहचानें, उसके प्रति जो भी प्रॉबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पे हम जाएं, करेक्ट करें यदि सिस्टम में कोई खामी है तो, और फिर इवेल्युएट भी किया जा सके। ठीक है, इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि इवेल्युएट करना एक्शन रिसर्च में आएगा या नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे आएगा। करेक्ट करना आएगा, गाइड करना आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक, अपने ही डिसीजंस को, अपने ही एक्शंस को। यहाँ एक ऐसी प्रोसेस है एक्शन रिसर्च जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर कौन है? मान लीजिए टीचर ही है भाई, टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है और उसी की क्लास में कोई प्रॉब्लम है, तो वो खुद ही सॉल्यूशन ढूंढेगा, खुद ही रिसर्चर का काम करेगा वहाँ। ठीक, तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता जो प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में है, प्रैक्टिकली स्कूल में वो लोग नहीं है जिन्होंने रिसर्च बेस्ड कोई पेपर पब्लिश कर दिया है, टीचर है, तो वो टीचर खुद उस प्रैक्टिकल सिनेरियो में प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, ये कहती है आपकी एक्शन रिसर्च। ठीक, समस्याओं का अध्ययन करे, अपने निर्णय ले, और जो भी सुधार या मूल्यांकन, इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या है? एक्शन रिसर्च का फायदा ये है कि जो स्कूल में या क्लासेस में जो भी करंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस किया जाए, उनका पता लगाया जाए, उनको ठीक किया जाए, और जो स्कूल या बच्चों की प्रगति है, जो सक्सेस रेशो है, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, स्कूल का भी, टीचर का भी, बच्चे का भी, यदि प्रॉब्लम्स को सही ढंग से पता करके टीचर अपने ही काम पे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करे, आलोचनात्मक दृष्टि से देख पाए कि मेरे काम में तो कहीं कमी नहीं है, या बच्चे को कोई समस्या आ रही है तो क्या क्या कमी हो सकती है, तो खुद ही वो सॉल्यूशन ढूंढे जिससे बेहतरी से बच्चा सीख पाए। आगे बढ़ेंगे, एक सीवी गुड की डेफिनेशन है जो कि बहुत ही फेमस और कॉमन है, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सीवी गुड, सीवी गुड ने ये डेफिनेशन दी है, एक्शन रिसर्च इज रिसर्च, एक तरह का अनुसंधान है जिसमें रिसर्च किया जा रहा है डेटा के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाई जा रही है। ठीक, तो एक्शन रिसर्च इज रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, जो रिसर्च शिक्षकों के द्वारा की जाती है, सुपरवाइजर्स यानी स्कूल में जितने भी स्टाफ है या जो भी लोग अलग अलग लेवल्स पे हैं वो कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहे वो प्रिंसिपल हों, मैनेजमेंट के लोग हों, वो कर सकते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस।
जो एक्शंस और डिसीजंस उन्होंने स्कूल में लिए हैं या सिस्टम में होकर के लिए हैं, वो किस हद तक सफल हैं या उनकी क्वालिटी को और कैसे सुधारा जाए। ठीक, तो अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी जो निर्णय लिए गए, जो कार्य की गुणवत्ता है उसको सुधारें, शिक्षक हो सकते हैं इसमें, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं यानी प्रिंसिपल हो सकते हैं, कई टीचर्स मिलकर कर सकते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो आप, क्लास मॉनिटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो डेटा के लिए। ठीक, कि जो भी प्रॉब्लम है मान लीजिए उसका पता लगाया जाए। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, हेल्प मिलेगी। देखिए एक बार अगर हम बात करें तो दो तीन बात तो हमने यहां समझ ही लिया। बहुत बढ़िया। सी टेट कब होगा किसी को नहीं पता, देखो लाइक शेयर कर दिया करो यार खुशी खुशी। अभी पहले ये टॉपिक समझेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, पहले समझो इसको। डॉली चौधरी आज तो क्लास हुई है मेरी, दो थियोरीज कराई थी। एड्रेस लोकल लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी जो लोकल एरिया या लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके सिस्टम में, उनको एड्रेस करना, उनको उनका सॉल्यूशन निकालना, उनको पकड़ना। कौन सी लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, जो जिस स्कूल में जिस भी संस्था में हो रही हैं उन लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को पकड़ के सॉल्यूशन निकालना। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है या कहाँ कमी है उस पर बात की जाएगी। जो जिस एरिया में टीचर या कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है वहां से संबंधित जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पर फोकस किया जाएगा। फाइंडिंग इमीडिएट आंसर्स, यहाँ क्या है आंसर्स या जो सॉल्यूशन है वो बहुत फास्ट निकलेगा, है ना, त्वरित सॉल्यूशन निकलेगा, त्वरित समाधान निकलेगा, इमीडिएट आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक्शन रिसर्च बहुत ही फास्ट वे में होती है और आंसर बहुत जल्दी से निकलते हैं। तो इमीडिएट आंसर्स पता करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम्स का, प्रॉब्लम का जो आसपास हो। रिफ्लेक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट, रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश डालना, टीचर खुद के अपने मेथड्स पर रिफ्लेक्ट करे, जो भी पूरा सिस्टम है उस पर रिफ्लेक्ट करे, यानी प्रकाश डाले, सोचे कि प्रोसेस चल कैसे रही है। तो रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ही द्वारा जो भी काम चल रहा है उस पर फोकस करें कि कहाँ कमी है, कैसे इंप्रूव किया जाए। तो लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, इमीडिएट सॉल्यूशन, और तीसरी एक चीज़ होती है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसर्च में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन निकला और वो ठीक से काम नहीं किया तो तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसमें परिवर्तन संभव है, लचीलापन है यहाँ। एक तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, लचीलापन है ना कि रिजिडिटी है। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबल होती है कि एक तरीका काम नहीं किया चलो दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक, लचीलापन है। राम राम जी, चलिए आगे बढ़े। तो एक तो तुरंत सॉल्यूशन, लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, ऐसा नहीं है रिजिडिटी है, एक बार जो रिसर्च हो गई वही फाइनल आपकी पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होगा। देखिए स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के पद, देखिए अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को लेके वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेप्स पे बात की है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेप बताते भी हैं, बट ये जो 8 स्टेप आपके सामने हैं, 8 स्टेप्स गलत नहीं होंगे अगर आपने कभी 6 भी पढ़े हों, 5 भी पढ़े हों, ठीक कई लोग 4 भी पढ़े हों, बट ये जो स्टेप्स हैं एक्शन रिसर्च के, ये दिए हैं किसने, हेरोल्ड एंडरसन नाम के एक व्यक्ति थे। हेरोल्ड एंडरसन ने अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ज्यादा महंगी नहीं है, कुछ 30,000 के आसपास की किताब है, जिसमें इन 8 स्टेप्स की बात की है। ठीक है, किसने, एंडरसन ने, मैं लिख देती हूं कहीं ताकि आप याद रख पाए। तो ये एंडरसन के अकॉर्डिंग है ये जो 8 स्टेप्स हैं, वैसे भी जो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, पूरा सब कुछ अलग नहीं होता, है ना, हम इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि ये ज्यादा ऑथेंटिक है ये स्टेप्स। ठीक, अगर हम बात करें, अगर आपने कहीं और कुछ और भी पढ़ा है तो वो भी ओके है, चल जाएगा, बट पेपर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग या कैसे पूछ लिया है तो आप पकड़ पाए। देखो है कुछ नहीं, ड्रॉ विद आदर्श, एक बात को कहने का तरीका है, जिन्होंने 4 स्टेप दिए उन्होंने भी वही बातें कही हैं, घुमा फिरा के कही हैं बस। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम बात करें तो ये स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च यानी सोपान किसके, क्रियात्मक अनुसंधान के 8 स्टेप्स किसने दिए हैं, हेरोल्ड एंडरसन।
1951 में आई थिंक इनकी बुक आई थी, ईयर एक बार कंफर्म कर लेना कब आई थी। ठीक, हेरोल्ड एंडरसन ने, इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, ये बुक का नाम हुआ। क्लियर है? मन प्रसन्न हुआ आपको देखकर? ठीक तो हो रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक नाम की बुक है। अगर आप जाएंगे अमेजोन पे लेने तो कुछ 30,000 की मिलेगी, 29,000 समथिंग, तो मत लीजिएगा क्योंकि कोई खास आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख बाकी हो तो एक बार बताओ, फिर हम बढ़ेंगे आगे इन 8 स्टेप्स को समझेंगे, जो 8 स्टेप्स मैंने आपको भी दिखाए थे। ठीक है, 8 स्टेप्स जो दिखाए थे उस पे ही चर्चा करेंगे। नहीं, सीटेट में तो जनरली नहीं पूछा जाता ये टॉपिक। ठीक, चलिए, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, ये जो 8 स्टेप्स हैं, देख पा रहे हो ना यहाँ तक? बिल्कुल देख पा रहे हो। देखिए, फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। आपके सामने कोई एक समस्या होती है तो आप उसको पहचानते हैं, पहले समस्या का चयन करते हैं। ठीक है, समस्या का चयन करते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपके यहाँ कोई 6th क्लास है और 6th क्लास के 4 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन बहुत शोर मचाता है, बहुत शोर आता है, आप दूसरी क्लास में पढ़ा भी नहीं पाते हैं। हो सकता है डॉली हो रही हो, मतलब आप पढ़ा भी नहीं पाते हैं चैन से, इतना शोर आता है आपकी बराबर वाली क्लास से, है ना? या कोई एक पर्टिकुलर क्लास है जो बहुत शोर करती है, एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके बच्चे बहुत एबसेंट रहते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास है जिस क्लास में कुछ बच्चों का जो ग्रेड है वो लो है, मतलब वो अच्छे से नंबर नहीं ला पा रहे हैं, शायद उनको समझ ना आ रही हो चीजें, शायद वो लापरवाह हो, है ना? बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। एक आपके यहाँ कोई एक एरिया में स्कूल है जहाँ लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशो बहुत है, मतलब 10वीं तक नहीं जा पा रही हैं लड़कियां, या आपकी ही क्लास में लड़कियां बहुत कम हैं, तो आप इस बात पे पता लगाएंगे कि भाई आधी आबादी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही, जो हमारे देश की हाफ पॉपुलेशन एटलीस्ट है, तो उसमें से इतना कम क्यों आ रहे हैं बच्चे हमारे यहाँ। तो आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, यानी समस्या का दायरा या क्षेत्र तय करेंगे, पता करेंगे और समस्या का चयन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन होगा किसका? एक प्रॉब्लम का। आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। समस्या को परिभाषित करना यानी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे? अब जब आपने चूज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को, कि भाई मान लीजिए बच्चे क्या है, मैथ्स में कम नंबर लाते हैं आपकी क्लास में, मान लीजिए आप मैथ्स ही पढ़ाते हैं, ठीक, तो अब आप इस प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करेंगे, इसके कारण क्या हो सकते हैं, या बच्चे आते क्यों नहीं, शोर क्यों आता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास से, हो सकता है कोई टीचर मिसिंग रहता हो, वहां क्लासेस कम लगती हो, तो आप इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे, इसके कॉजेज लिखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, है ना? आप पूरा डिफाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर इसको डिफाइन करना, देन है आपका अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करना, यानी आप फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, जो रिसर्च प्रपोजल है आपका, जिसपे आप रिसर्च करने वाले हैं, जो एक्शन रिसर्च आप करेंगे, कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, आपका उद्देश्य क्या है इस बात से, है ना? तो उसमें आप और चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉबेबल रीजंस को देखेंगे। क्रियात्मक परिकल्पना यानी एक्शन हाइपोथेसिस आप तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना होती है, जब आप एक चीज को अज्यूम करते हैं, एक तरीके से इमेजिन करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे क्लास में शोर मचाते हैं। एक रीजन हो सकता है कि टीचर देर से आता हो, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जब टीचर आता है उतनी देर में वो शोर मचाते हैं, तो हो सकता है टीचर के आने में ज्यादा समय लगता हो, ठीक। दूसरा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसी कई हाइपोथेसिस, और आप सॉल्यूशन भी सोचेंगे, तो ऐसी आप कई परिकल्पनाएं लगाएंगे। हो सकता है कि क्लास का कोई टीचर ही नहीं है तो कोई एक फिक्स्ड माहौल ही तय नहीं हो पा रहा, है ना? हो सकता है बच्चों को इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा हो पढ़ने में। फिर है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। अब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि रियल में है क्या चीजें, ठीक। डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि जो जो सॉल्यूशंस आप सोच रहे हैं वो कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इंप्लीमेंट कर देंगे
एक्शन ले लेंगे, जो हाइपोथेसिस आपने बिल्ड की थी, जो सॉल्यूशंस आपने सोचे थे, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, आप एनालाइज करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, एक तरीके से इवेल्युएट करेंगे कि फाइनली आपने देख लिया कौन सी समस्या है, इसका सॉल्यूशन आप क्या चूज करेंगे। तो आपने चूज किया कि मैनेजमेंट को बताया जाए, क्लास मॉनिटर को बताया जाए कि जब एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में अगर शोर आता है तो इतने वो शांत करा के रखे बच्चों को, या जो भी है, या टीचर को तुरंत से पहुंचना है क्लासरूम में। मतलब जो भी सॉल्यूशन, जो भी फाइंडिंग्स हैं, उनको आप एनालाइज करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये निष्कर्ष निकला इस रिपोर्ट का, ये सॉल्यूशन आपने इंप्लीमेंट जब किया तो आपको पता लग गया कि आपने जो सॉल्यूशन ढूंढा था वो काम किया कि नहीं किया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसी चलती रहती है। अगर नहीं किया तो दूसरा तरीका अपनाओगे, फिर एक रिपोर्ट तैयार करोगे जिससे रिफ्लेक्ट कर सको आप कभी भी किसी भी समस्या पर। ठीक है, तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं, इनको आप एज इट इज भी ध्यान में रख सकते हो। और अगर हम बात करें इन्हीं स्टेप्स को अगर दूसरी भाषा में, इंग्लिश में, जिनको बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश में ही समझना है, तो वो ये भी देख सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं और दायरा तय करते हैं किसी प्रॉब्लम का पहले स्टेप में, फिर आप कॉजेज ढूंढते हैं, यानी आप डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को, एक प्लान तैयार किया जाता है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर जो डेटा कलेक्ट किया इंप्लीमेंट करके, डेटा कलेक्शन के बाद, हाइपोथेसिस के बाद डेटा कलेक्शन आएगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालाइज कर रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं चीज़ों का, उसको अप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट्स पे कंक्लूजन निकलेगा, यानी इवेल्युएट करेंगे फाइनली, और रिफ्लेक्ट करेंगे फिर इस प्रोसेस पे। तो ये कुछ टोटल 8 स्टेप्स हैं, ये एग्जैक्ट स्टेप्स हैं जिसकी बात एंडरसन ने की है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप नोट किया करें, चाहे वीडियो पॉज करके या जैसे भी, अपनी एक नोटबुक में, है ना। देख पा रहे होगे, ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़ जाएं, सही से तो चल रहा है भाई सेशन, यहाँ से तो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एक्शन रिसर्च की कहानी क्या है, एक्शन रिसर्च है क्या। अगर मैं इसको रिवाइज कराना चाहूँ कम शब्दों में, तो हम कह सकते हैं, एक मिनट ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूछता है, समझेंगे एक बार। देखिए एक बार, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया शिवानी चौहान। देखिए, अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च एक इस तरह की रिसर्च है जो छोटे लेवल पे होती है, मतलब जो भी स्कूल है लोकल लेवल पर रिसर्च होगी, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए होगी, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, रिजिडिटी नहीं होगी, टीचर ही करेगा, मतलब जो कंज्यूम करने वाला है उस रिजल्ट को वही क्या करेगा, रिसर्च करेगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे कई टीचर्स मिलके करें, चाहे वो प्रिंसिपल का इन्वॉल्व होना हो, चाहे वो बच्चों का इन्वॉल्व होना हो, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट का, या फिर स्कूल मैनेजमेंट का, या एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व होना हो, मतलब स्कूल के ही लोग उस प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करेंगे। क्लियर बात है। जबकि जो नॉर्मल रिसर्च होती है उसमें रिजिडिटी पाई जाती है, यहाँ रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती कि किसी को भी उठा लिया, वही बच्चे जिनको प्रॉब्लम है उसी क्लास से उठाए जाते हैं। जो नॉर्मल रिसर्च होती है वो तो दुनिया के किसी भी कोने से कुछ सैंपल्स उठाए और शुरू हो गए। ठीक, तो हालांकि इसमें साइंटिफिक ये उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल रिसर्च होती है, उतनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इसमें उतनी नहीं पाई जाएगी जितनी नॉर्मल रिसर्च में पाई जाती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यालय की कमियों का पता लगाने के लिए, आपकी जो टीचिंग का स्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की समस्याओं को पता लगाने के लिए, क्योंकि हर एक विद्यालय अलग है भाई। एक स्कूल जो किसी गांव के एक लोकल एरिया में है, जरूरी नहीं है वहां जो समस्या है एक दिल्ली के स्कूल में भी वही होगी। हो सकता है वहां तो स्कूल ना भेजते हो माँ बाप अलग अलग चीज़ों की वजह से, है ना, तो वहां की प्रॉब्लम्स अलग होंगी, दूसरे स्कूल की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। कुछ चीजों में तो आप जनरलाइज कर सकते हो, ज्यादातर जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ एक्शन रिसर्च में, ये स्पेसिफिक होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्शन रिसर्च मींस, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब क्या है, बताइए एक बार। फर्स्ट ऑप्शन है आ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो होती चले जाए एक तरीके से, या लेवल्स अप करते चले जाए, ठीक है। फिर है अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, या फिर आ रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी एक सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के बेसिस। मैंने आपको क्लियरली बताए थे 3-4 शब्द, इमीडिएट प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, जो टीचर या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही कंज्यूम करेंगे, खुद ही रिसर्च करेंगे। ठीक, तो आंसर क्या होगा, आ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम प्रस्तुत है सामने क्लासरूम में या कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको तुरंत सॉल्व करना है। भाई बच्चे शोर मचाते हैं इस क्लास के, है ना, या फिर
प्रेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते इस क्लास के बच्चे, कोई एक पर्टिकुलर क्लास, या कोई बच्चा है जो ज्यादा बोलता ही नहीं है, कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछता, पहले अच्छा कर रहा था पढ़ाई में, अभी एकदम से अचानक से कुछ हो गया है, तो आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों या किसी एक बच्चे की समस्या पे या अपने ही टीचिंग पर रिफ्लेक्ट करने के लिए आप करते हैं। तो एक्शन रिसर्च मींस एंड आर रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, जो भी सामने प्रस्तुत प्रॉब्लम है प्रेजेंट सिनेरियो में उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर टू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च, इनमें से कौन सी एक चीज एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है। देखिए एक बार, एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो पता भी होना चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए फटाफट से, बहुत बढ़िया शुभम सिंह। देखिए पहला ऑप्शन है एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थियोरी बिल्डिंग, यानी थियोरी बिल्ड करने में मदद करती है। इट एनेबल्स अस टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, फोकस ऑन प्रॉब्लम दैट आर इमीडिएट कंसर्न, दैट आर ऑफ इमीडिएट कंसर्न, यानी जो भी व्यवहारिक समस्या हमारे सामने है उस पर फोकस होगा, या फिर ऑफर्स फॉर्मेशन फीडबैक सच दैट एम्स एंड मैथडोलॉजी आर ओपन टू वेरिएशन, यानी वेरिएशन उसमें किया जा सकता है, जैसे ही फीडबैक मिलेगा फ्लेक्सिबिलिटी है, परिवर्तन संभव है सिस्टम में या रिसर्च के रिजल्ट्स में। तो आंसर क्या है, सारी बातें सही हैं, बट ये गलत है कि थियोरी बिल्डिंग के लिए, ये पूरी दुनिया में कोई थियोरी नहीं है कि एक रिसर्च पेपर आया था और उसको सबको फॉलो करना है, या कोई एक फैक्ट है वो, ये थियोरी बिल्डिंग में नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए होता है। थियोरी बिल्डिंग के लिए नॉर्मल ट्रेडिशनल रिसर्च होती है। ठीक, बाकी बातें सही है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो भी स्कूल में होती है, इमीडिएट कंसर्न जो तुरंत सॉल्व हो सके फास्ट तरीके से, और यहाँ वेरिएशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, यानी कौन सी चीज एक रिसर्च को एक्शन रिसर्च बनाती है। देखिए अगेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो स्केच बनाया है आपका, इंस्टाग्राम पे टैग करो एक बार, मैं कोशिश करूंगी देख पाऊँ, है ना, टैग करो, या मैसेज तो मैं कम ही देख पाती हूँ, टैग ही करो कई बार। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनल इवेल्युएशन, यानी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं फाइनल मूल्यांकन, जनरलाइजेशन या रिजिडिटी ऑफ रिसर्च। देखो आपको पता है रिजिडिटी नहीं होती एक्शन रिसर्च में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेरिएशन होता है, जनरलाइजेशन भी ऐसा नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने एक स्कूल में निकाला वो सारे स्कूल्स में जनरलाइज कर देंगे, ये जनरलाइजेशन होता है, नॉर्मल रिसर्च में पाया जाता है ये। ठीक, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड फाइनल इवेल्युएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए जाते, वो थियोरी बिल्डिंग का काम नॉर्मल रिसर्च का है, यहाँ बात होती है जो भी एक प्रॉब्लम है उसको इंप्लीमेंट तुरंत किया जाए और फाइनल इवेल्युएशन फटाक से कर लिया जाए। ठीक, बी ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, एक्शन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च बिकॉज, भाई नॉर्मल रिसर्च से कैसे अलग है एक्शन रिसर्च, ये पूछा है। ठीक, बताइए एक बार, किसी को 2 मिनट की क्लास दिख रही है आज करियर विल पे जो क्लास हुई थी, हो सकता है अपलोड ना हो पाई हो लाइव के बाद, मैं एक बार टीम को बोल के बात कर लूंगी। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा धीरे और डिटेल में पढ़ना है ना ये पूरा पेडागॉजी, और उनको लग रहा है कि पहली बार ही जागे हैं और लॉकडाउन में टाइम है या कुछ भी है, तो करियर ऐप पर आता है पेडागॉजी स्पेशल बैच जो चल रहे हैं अभी भी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके, लिंक जिनको नहीं मिल पाता, बहुत सारे क्वेश्चन देखती हूँ मैं, वो चेक कर सकते हैं। हाँ देखो एक बार, फोर्थ का ए, इट इज डन बाय टीचर्स एजुकेशनल मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, हमने तो ये जो सीवी गुड की डेफिनेशन थी उसमें ही पढ़ा था। रिसर्चर्स हु हैव नो कनेक्शन विद द स्कूल, देखो ये बात ध्यान रखना, एक्शन रिसर्च उन लोगों के द्वारा नहीं होगी जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है स्कूल से, बस रिसर्च करने में लगे हुए हैं, उसी स्कूल से रिलेटेड लोग होंगे जहां पे प्रॉब्लम है। इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइसेस, स्टैंडर्डाइज्ड होने की थोड़ी सी कमी यहां है। ठीक, मानकीकृत की थोड़ी कमी है, वैलिडिटी की, वैधता की, रिलायबिलिटी की थोड़ी कमी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिनेरियो पे होती है, जो नॉर्मल रिसर्च होती है वो ज्यादा प्रोफेशनल व्यक्ति या प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति लेगा, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग से ही काम चल जाता है। इट इज बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग पे बेस्ड नहीं होती कि दुनिया की कोई भी पॉपुलेशन ली और उस पर रिसर्च कर दी, ऐसा नहीं है, यहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहीं के बच्चों को सैंपल के रूप में यूज किया जाएगा। तो इट इज डन बाय टीचर्स और एजुकेशनल मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो जहाँ पे समस्या है वहीं के लोग इसको सॉल्व करते। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, इन अप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान में, इन अप्लाइड रिसर्च
क्रियात्मक अनुसंधान में द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी जो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण है, हाइपोथेसिस मतलब प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक, या प्रोबेबल रीजंस क्या हैं समस्या के. द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन अ रैशनल कॉन्साइंस, या फिर स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड. वेरीफाइड जैसा कुछ नहीं है, आप प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करते हो, काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन सोचोगे. एक्शन हाइपोथेसिस आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, हाइपोथेसिस तो क्रिएट होती है, हमने स्टेप्स में पढ़ा है कि हाइपोथेसिस क्रिएट होगी. ऐसा नहीं है कोई रैशनल के बेसिस पे यहाँ पे बनेगी, प्रॉब्लम के बेसिस पे हाइपोथेसिस क्रिएट होती है. जो भी करंट प्रॉब्लम है, जो भी कॉजेज हैं किसी भी समस्या के, जो कॉजेज हैं, जो कारण हैं, उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस सोचे जाते हैं. ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा सिंपल आंसर. तो होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी, दोबारा से देख लीजिएगा, ना समझ में आई हो तो आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो पाए इतनी जल्दी में, ये आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे आइडिया लग सके कि आपको समझ में ये आई कितनी है. आउट ऑफ 5 कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. और जिनको समझ में आई हो वो मुश्किल से 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में एक्शन रिसर्च को एक्सप्लेन कीजिएगा आज कमेंट्स में, तो पता लगेगा आप कितना बेहतर समझ पाते हैं या मैं कितना बेहतर समझा पा रही हूँ आपको. 5 out of 5 बहुत ही बढ़िया, 4 out of 5, 5 out of 5 बहुत बढ़िया, 3 out of 5 नॉट बैड. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, कमेंट्स में बता दीजिएगा बाद में. ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे. ठीक है, बात मीटअप की वीडियो के बारे में कोई बात कर रहा है, मीटअप की वीडियो डालेंगे यार, मैं एडिट करने की फुर्सत नहीं मिल पाई, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई. अच्छा, मीटअप ऑनलाइन देखते हैं, अभी कुछ ऑनलाइन का प्लान करते हैं. पहले बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी, फिर बीच में चीज़ें, मीटअप नॉर्मल वाला ही हो गया, क्योंकि इस बार नॉर्मल मीटअप में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई हैं आप लोगों से, इंडिविजुअली इतने सारे लोग थे. चलो फिर कल मिलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखो अपना. बुक का लिंक भी